जी पंडित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रभु की वाणी है जो पंच सखाओं के द्वारा लिखी गई, और ये आगे का, मैं इसको कहूंगा कि आगे का संविधान है। लेकिन वर्तमान समय में जो हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे युवा भाई बहन माँ लोग हैं, वो उनकी बुद्धि बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। कंप्यूटर जैसा दिमाग है, तो जब मेरे से संपर्क में आते हैं तो बहुत तरह के सवाल करते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म आपकी कृपा से जो बनाया गया है, इसमें मैं जो नवयुवक हैं उनकी शंकाओं का समाधान आपके माध्यम से करने का प्रयास करूंगा। तो पंडित जी, एक बहुत छोटा सा सवाल है। अमेरिका से एक एसके शर्मा है, उन्होंने मुझसे पूछा है कि पंडित जी से पूछिएगा कि 1,85,000 जो पांडुलिपियां हैं, उसमें से भविष्य मालिकाएं कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पंच सखाओं ने कई लाखों ग्रंथ का भविष्य पुराण में लिखे हैं। श्री अच्युतदास नेमाड़े निवास पद्म बने तंक स्थिति प्रभुंक आज्ञारु अनुभव करी लक्ष्य ग्रंथ करी छंती। बास्तोरी गीता 36 संहिता वंशानुसप्त विंसरे उपवंशानु द्वादश खंड वेनी भविष्य शत खंड रे। तो पंच सखाओं को द्वारा सबसे ब्रह्म गोपाल महापुरुष अच्युतानंद के द्वारा जो भविष्य पुराण लिखा गया उसका संख्या 1 लाख है। उसमें भगवान की वंशानुचरित है, उपवंशानुचरित है, भगवान श्री कृष्ण की लीला और भगवान हरिवंश यानी महाविष्णु की आदि सृष्टि से कलिजुग के अंत तक सारे वंशानुचरित है। उसमें भजन है, गीत भी है, पर उसमें सिर्फ महापुरुष अच्युतानंद के द्वारा 100 भविष्य मालिका लिखा गया, 100 ग्रंथ। और 100 ग्रंथ में भविष्य पुराण की यानी भविष्य की यही क्या क्या लिखा है इसमें, इसमें यही लिखा है कि समय भगवान भक्त लोगों को उद्धार करेंगे। ये भविष्य मालिका का मुख्य तत्व का बात कर रहा हूं। कलिजुग का अंत किसी समय होगा और उसी समय चारों धाम और जगन्नाथ क्षेत्र से क्या संकेत दिखाई देगा उसको देखकर और मालिका को पढ़कर मनुष्य लोग समझेंगे। जो भगवान की रचित ग्रंथ लिखा गया था युग के अंत के बारे में उसका प्रमाण हमको मिल रहा है और प्रमाण के साथ साथ भक्त लोग और मानव लोग उस धारा को अनुसरण करेंगे। पहला बात। दूसरा, भविष्य पुराण के माध्यम से भक्त और भगवान का मिलन होगा। तीसरा, संसार में क्या क्या आपद पंचभूत की माध्यम से, युद्ध की माध्यम से, सांप्रदायिकता की माध्यम से और रोग महामारी के माध्यम से क्या क्या आपद धरती पर मानव सभ्यता की ओर आएगा और कैसे कैसे आएगा, उसका निराकरण कैसे होगा, मनुष्य लोग किस धारा में किस कर्म करने से उस बीमारी और आपद से, क्योंकि जिस समय कोई वैज्ञानिक तत्व का कोई तत्व नहीं रहेगा, सारे वैज्ञानिक तत्व फेल हो जाएगा, उसी समय कैसे मानव सभ्यता फिर बचेंगे और नया युग का निर्माण करेंगे, इसके लिए इसमें लिखा है। तीसरा, इसमें 16 मंडल की गठन के बारे में लिखे हैं, यानी सारा ब्रह्मांड में 16 मंडल भगवान कल्कि का होगा और 16 मंडल भक्तों का एकत्रीकरण भी होगा और 16 मंडल का भक्तों का एकत्रीकरण होने के साथ साथ संसार में पापियों का विनाश भी बढ़ता जाएगा।
एक पवित्र तत्व और अंत में सत्य युग कैसे शुरू होगा, प्रकृति पंचभूत में क्या क्या संकेत मिलेगा, प्रकृति यानी पेड़ पौधे में क्या क्या परिवर्तन आएगा, मनुष्य लोग में क्या क्या परिवर्तन आएगा, और साथ ही साथ मनुष्य लोग और भक्तों और भगवान का जो पवित्र धारा का उज्जीवित के लिए भविष्य पुराण का सारा ब्रह्मांड में प्रचार होगा, और ऐसे समय थर्ड वर्ल्ड वार होगा, और थर्ड वर्ल्ड वार के चलते चलते पंचभूत और सारे जो आपद के साथ साथ भक्त लोगों का एक तरफ से उद्धार, दूसरी तरफ से पापियों का विनाश कार्य भगवान कल्कि का द्वारा कहीं गुप्त से कहीं प्रकाश से होगा, और ऐसे माध्यम से एक नव निर्मित नव निर्माण नया युग यानी आद्य सत्य युग का संपूर्ण निर्माण होगा। ये भविष्य मालिका की संपूर्ण तत्व धारा है जी। जय जगन्नाथ जी, आपने बहुत बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, बताया कि भविष्य मालिका में क्या लिखा गया है और प्रभु की वाणी है। और हमारे कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि भविष्य मालिका में जो कुछ भी लिखा गया है 600 साल पहले लिखा गया है, और वो ये जानना चाहते हैं कि इसका जो इम्प्लीमेंट जो डेट होता है, कब से ये शुरू हुआ, भविष्य मालिका के हिसाब से पहली डेट कौन सी थी जहां से ये भविष्य मालिका चालू हो गई या इसके इवेंट्स जो है वो वेरीफाई होना शुरू हो गए, इसके बारे में कुछ बताइए पंडित जी। भविष्य पुराण में पहले यही लिखा था, महाप्रपंच सुखा ने यही लिखे थे, जब जगन्नाथ क्षेत्र की अरुण स्तंभ पर गिद्ध पक्षी बैठेगा और जगन्नाथ मंदिर की शिखर चूड़ा से अमला बेढ़ा उसको कहते हैं उड़िया में जी, यानी नील चक्र से लगे हुए जो शिखर क्षेत्र है मंदिर का, उसी क्षेत्र से पहले पत्थर गिरेगा और कल्पवट का जो डालियां वो डाल टूटेगा, ये तीनों संकेत पहले दिखाई देगा जगन्नाथ क्षेत्र से। चुड़रू पत्थरों जेबे खसीब सुत खसीले ओला बेड़ारू हेब कली हत, उड़िया में लिखा है, यानी जगन्नाथ प्रभु के मुख्य मंदिर की शिखर से जब पत्थर गिरेगा तब कलिजुग का अंत का प्रमाण भक्त लोग देखेंगे, और जब अरुण स्तंभ पर गिद्ध पकी यानी भगवान सूर्य देव की पुत्र अरुण और गरुड़ श्री जगन्नाथ की मंदिर जगमोहन की प्रभु की सामने स्थापित है, और दूसरा जगन्नाथ मंदिर के सामने सूर्यदेव के पुत्र अरुण प्रभु को स्तुति कर रहे हैं, एक खंभ है जिसका नाम अरुण स्तंभ है, और अरुण देव की ऊपर गिद्ध पक्षी जाके बैठेगा। तो ये पहला संकेत था, और श्रीमद् भागवत में यही लिखा है, यथा चंद्र तथा तिष्य तथा तिष्य बृहस्पति एक रासो ममेशन्ति तदा पूर्व जुगाश्रितम्। यथा चंद्र तथा तिष्य बृहस्पति, चंद्र और मंगल बृहस्पति एक धराशी में जब स्थित रहेंगे उसी समय नवयुग का आगमन का समय है, और ये 2025 से 42 से कई एक दो बार हो चुका है, आप तो शास्त्र की ज्योतिष धारा में आपका ज्ञान है, उसका भी आप विचार कर सकते हैं। 1940 से 42 एक योग पड़ा था, फिर 2025 में भी 1925 में भी एक योग 25 से 30 के अंदर शायद एक योग पड़ा था जिसमें रवि चंद्र बृहस्पति एक राशि
पर अवस्थित थे, और श्रीमद् भागवत में द्वादश स्कंध में यही लिखा है। अगर भगवान व्यास देव ने इसको लिखे हैं और जगन्नाथ कंद मंदिर से पहला संकेत 2090 के बाद ये हो रहा है 92 शायद जी, तो ऐसे संकेत से ये प्रमाण होता है क्योंकि हमारी परम शास्त्र श्रीमद् भागवत और जगन्नाथ चित्र की संकेत हम दोनों को विचार करते हैं, इसमें संपूर्ण प्रमाण मिलता है कलयुग का अंत हो ही गया है। और उसी समय से क्षेत्र से यानी नीलाचल क्षेत्र जो आदि क्षेत्र जिसको मर्त्य वैकुंठ कहते हैं, जगन्नाथ क्षेत्र कलयुग का क्षेत्र नहीं है, त्रेतया सत्य युग का क्षेत्र नहीं है। जब बराह कल्प से पहले धरती को भगवान ने सृष्टि किया तब जगन्नाथ क्षेत्र का निर्माण किए थे आदि ब्रह्म सनातन यानी भगवान की आदि ब्रह्म आदि अवतार विश्व अवतार विश्व रूप जब प्रभु पहले प्रकट हुए नारा नाम के जल से, उसी समय से श्री जगन्नाथ क्षेत्र का निर्माण हुआ था। फिर उसका बाद आदि दैत्य हिरण्यकश्यपु ने हिरण्याक्ष ने उसको अपहरण किया धरती को, फिर जगन्नाथ बराह कल्प में फिर धरती को पुनर्स्थापन किया और धरती को कक्ष पत्र पर स्थापन किया। उसी समय से पहले उसी समय से श्री जगन्नाथ सच्चिदानंद रूप में वही पर थे और आज तक वो क्षेत्र विद्यमान है। कलयुग से प्रभु दारु ब्रह्म रूप में है पर अलग युग में सच्चिदानंद रूप में प्रभु वहीं पर अधिष्ठित होते हैं। तो जगन्नाथ क्षेत्र से जो संकेत और श्रीमद् भागवत की जो संकेत है, ये संकेत की धारा हमारी सनातन धर्म की सभी भक्त और मानव के लिए बहुत गुरुत्वपूर्ण है। उसको आप विचार करें, आपके तत्व यूट्यूब के चैनल में मनुष्य लोगों को बताइए, क्योंकि मानव लोगों को जानकारी जरूरी है और जानकारी का एक प्रत्यक्ष प्रमाण हम दे रहे हैं जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत श्रीमद् भागवत में। एक राशि पर रवि चंद्र बृहस्पति का आगमन द्वादश स्कंद पर रचित जगन्नाथ, ये जो प्रमाण ये हमारी सनातन भक्त लोगों के लिए सबसे ज्यादा पवित्र है और महत्व भी है,